स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, वेपर प्रेशर में कमी कैसे होती है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। और देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर लिया है। क्या लिया है मैंने? वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज सिस्टम बनाती हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ी देर रखती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वेपर आ जाती है। किसकी? वाटर की। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें NaCl मिलाया, क्या मिलाया मैंने इसमें? NaCl यानी कि सॉल्ट। तो देखिए क्या होता है, ये जो सरफेस है आपको पता है हमेशा इवेपोरेशन सरफेस से होता है, तो सरफेस में वाटर के बीच बीच में सोडियम एंड क्लोराइड आयंस भी आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सरफेस में क्या हो जाते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस भी रहेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो उनकी वेपर भी पहले के कंपेयर में क्या बनती है, कम बनती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, नॉन वोलेटाइल मींस जिसकी खुद की वेपर नहीं बनती है, है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी वेपर जो होगी कम बनेगी और इसी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको रीजन बताया कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों होती है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि सरफेस पर जो हमने सॉल्ट मिलाया है उसके आयंस भी आ जाते हैं, तो सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, इन प्योर फॉर्म, और इसे हम मान लेते हैं पी नॉट। क्या मान लेते हैं इसको हम? पी नॉट, जैसे कि हम ले ही रहे हैं पी नॉट। पी नॉट का मतलब है किसी भी सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो वेपर प्रेशर बना है कब, सॉल्यूशन का, उसको मैंने लिखा है पीएस, वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई है, और इसको मैं लिख देती हूँ डेल पी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल पी, एंड इट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट ज्यादा होगा, प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाता है, तो मैंने क्या लिखा है, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, अब आपको पता है मैं पी एस को कैसे लिख सकती हूँ, पीएस को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसका पी नॉट यानी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम किसके लेंगे, वॉटर के। ठीक है, किसके लेंगे, वॉटर के। तो सरफेस पर वॉटर का मोल फ्रैक्शन यानी कि सरफेस में भी कम हो जाता है, और सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में भी मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है वॉटर का। ठीक है, तो पी एक्स वन, तो हम पी एस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी एस को हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस, सॉरी पी नॉट एक्स वन। ठीक है, यहाँ पर एक्स वन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। और याद रखिएगा, हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे उन सभी में जो फर्स्ट नंबर दूंगी मैं, ठीक है, जो फर्स्ट हमने कंपोनेंट लेंगे हम सॉल्यूशन का, वो होगा सॉल्वेंट, यानी फर्स्ट नंबर हमने किसको दिया है, हमेशा सॉल्वेंट को, और सेकंड नंबर हमने किसको दिया है, सॉल्यूट को। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर हमने दिया है सॉल्वेंट को एंड सेकंड
v equal to क्या हो गया p naught minus p naught x1। अब यहाँ से अगर मैं p naught common ले लेती हूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास में 1 minus x1, क्या बचेगा 1 minus x1। अब देखिए यहाँ पर आप 1 minus x1 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है x1 और x2 में ले लेती हूँ mole fraction of solute, mole fraction of solute, ठीक है। आपको पता होना चाहिए x1 plus x2 equal to क्या होता है 1, सभी को पता है। so यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x1 find कर सकते हैं 1 minus, sorry x2 find कर सकते हैं 1 minus x1। देखिए आपको पता है किसी भी मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका टोटल हमेशा यूनिटी होता है, 1 होता है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाती है 1 minus x1। ओके, तो मैं यहाँ 1 minus x1 की जगह क्या लिख सकती हूँ p not x2, क्या लिख सकती हूँ p not x2। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर कम होता है, इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2, एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो उतनी ही ज्यादा कमी होगी किसमें, वेपर प्रेशर में। यहां से आपको ये चीज समझ आ रही है क्यों, क्योंकि p नॉट क्या है कांस्टेंट है। ओके, तो यहां से हमको क्या समझ आएगा कि डेल p यानी कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, अब यहां से आपको एक चीज और सीखनी है कि अगर हम, क्योंकि हमें रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव वर्ड आया है तो रिलेट करना है अपन को प्योर फॉर्म से, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल p अपॉन p नॉट इक्वल टू x2, और इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल पी अपॉन पी नॉट को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड इट विल बी इक्वल टू द x2, किसके इक्वल है x2 के। अब आगे देखिए क्या होता है, आपको पता है x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल पी अपॉन पी नॉट को हम और क्या लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। तो यहां देखिए x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, किसके सॉल्यूट के हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पर एन वन क्या है, एन वन तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां से हमने X2 को इस फॉर्म में रख दिया है। एक चीज और, आपको पता है जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है बहुत ज्यादा है, यानी कि n1 is very very greater than n2, it means सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट के कंपेयर में, तो अगर हम यहाँ से, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, और आपको पता है अगर आप 1 में या 10 में 0.0001 ऐड करते हो तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं 0.001। ओके, तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्मूला में से हम n2 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल p अपॉन p नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1। ओके, अब यहां से देखिए आप एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पर n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप n2 को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्यूट का मास ले लेती हूं w2, ओके, और इसका मोलर मास ले लेती हूं m2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या ले लिया मैंने m2, तो मैं n2 को क्या लिख सकती हूं, w2 अपॉन m2, क्या लिख सकती हूँ, w2 अपॉन m2, w2 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, m2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, इसी तरीके से मैं n1
को क्या लिख सकती हूँ? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर W1 तो क्या है, W2 तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, एंड W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एंड M1, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से आप एक नया हमारे पास में इक्वेशन आती है, जिसमें से देखिए हमें M, अगर हमें सॉल्वेंट का पता है तो हम सॉल्यूट का पता कर सकते हैं उसका मोलर मास निकाल के, क्योंकि मोलर मास कभी भी चेंज नहीं होते हैं, है ना। और अगर हमें सॉल्यूट का पता है तो हम M1 फाइंड कर सकते हैं, और M1 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट का पता लगा सकते हैं। और यही चीज हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था होता है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हमें किसी भी जो मिक्सर होता है या सॉल्यूशन होता है उसमें से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास फाइंड करके उसका पता लगा सकते हैं। ओके, तो यहां से एक नई इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहां से एक नई इक्वेशन और हमें सीखनी है, और वो इक्वेशन क्या है, देखिए, डेल पी अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू, यहां से इसे देखिए आप, ये डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन। देखिए, ये जो यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया है, ये फॉर्मूला बनता है मोलेलिटी का। किसका बनता है? मोलेलिटी। मोलेलिटी तो इस पूरे की जगह हम स्मॉल m लिख सकते हैं, मोलेलिटी लिख सकते हैं, और ये हो गया m1। m1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए ये मोलेलिटी कैसे हुई है ना, तो देखिए m इक्वल टू, मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी इक्वल टू m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज w2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि m2 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज w1 इन किलोग्राम। w1 किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोलेलिटी लिख सकते हैं, m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, n2 हो गया, तो देखिए मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स n2 हो गए, तो n2 अपॉन w1 एंड दैट विल बी द इक्वल टू ऑफ मोलेलिटी। तो ये लास्ट हमारे पास में इक्वेशन आती है। तो इन सभी इक्वेशन को, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमें पता होना चाहिए कि कहां से किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, और इसी तरीके से सिमिलर वे चलेगा सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थैंक यू।